खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां जलभराव की वजह से वार्डवासी परेशान हैं। वार्डवासियों का कहना है कि हल्की बरसात के साथ ही शहर के बाढ़ों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस कारण बरसात का पानी घरों के अंदर तक जाकर लोगों की परेशानियां बढ़ा देता है। वहीं नगर के बाढ़ों में जलभराव से सितारगंज नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। जलभराव पर वार्डवासियों का कहना है कि समय पर वार्ड की नालियाँ नियमित साफ नहीं होने के कारण नालियों में मिट्टी और रेत जमा हो गया है, जिससे नालियां चौक हो चुकी हैं, जिसके कारण वार्ड में जलभराव की समस्या हो रही है। समस्या को लेकर सितारगंज नगरपालिका सीओ प्रियंका आर्या ने बताया कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के आदेश दिए गए हैं। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई की जा रही है, पर मेन समस्या एक वही है कि लोगों के द्वारा अपने जो घरों के आगे और जो घर का कूड़ा कचरा जितना भी है पॉलीथीन नालियों में डाला जा रहा है, जिससे कि नालियाँ चौक हो जा रही हैं। तो लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। जो हमारे नगर पालिका के वाहन हैं उसमें भी हमने ऑडियो के द्वारा प्रचार प्रसार किया है। हम स्वयं भी टीम बना के जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बरसात के मौसम हमारे यहाँ बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जगह जगह नालियाँ चौक है, स्वच्छ कर्मचारी जो हैं वो समय समय पर नियमित रूप से नाली साफ नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के जल के भराव की वजह से घरों में ही पानी व्यवस्था